to our new vlog. This is me Surbhi and this is my YouTube channel Surbhi. No, with Surbhi Chauhan. So आज का vlog हम यहाँ से start करते हैं. Maybe 12 बजने वाले होंगे और मैं उठी हूँ. नहीं 12 नहीं, maybe 11:30 हो रहा होगा, उसके आसपास ही हो रहा होगा. और अभी मैं उठी थी 10:30 बजे. मैं बिस्तर से निकली हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना, काफ़ी ठंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड है. और ठंड की वजह से बच्चों की छुट्टी भी चल रही है यहाँ पे. सो अभी मैं तो स्कूलों में छुट्टी चल रही है, वही यहाँ पर मतलब कि अपने एरिया में, अपने यूपी में छुट्टी चल रही है. और चलो अभी मैं किचन में हूँ और आज संडे है. हाथ पे मान ली, वाह 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 वाह. मत करो, हटो, व्लॉग बनाने दो. मेंढक मेंढक मत दिखाओ, तुम मेंढक से कम हो क्या? तो अभी आज है संडे, तो आज खाना नहीं बनाएंगे. हम सुबह की तरह संडे के दिन खाना बहुत लेट बनता है, तो आज पापा मम्मी से बोले कि खाना मत बनाओ, रहने दो. देखो ये, देखो ये मेंढक, ये दीवार पे चिपकता है मेंढक, देखो ले जाओ. तो अभी मैं हूँ किचन में और नाश्ता बनानी है, तो मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने. और नाश्ते में मैं बनाऊंगी मैगी. मैगी तो चलो चलते हैं, फटाफट से मैगी बनाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं. पहले मैं ब्रश करके ना, अभी तक कुछ भी नहीं खाई हूँ. तो देखो भाई बनाया हुआ था दांत में टूट गया. चलो फिर फटाफट से मैगी बनाते हैं और मैगी बना के मिलते हैं. ये कंबल, ये मैं सोचना कि मेरे किचन में कंबल क्यों रखा हुआ है. इसके अंदर ना रात में मम्मी ना दही जो होता है, दही जमाने के लिए रखी थी, दही बनाने के लिए. तो इसलिए कंबल के अंदर रखा गया था ताकि दही जो होती है वो अच्छे से अच्छी तरीके से वो जम जाए. तो इसलिए कुछ होता नहीं है किचन में. देखो मेरी बात, देखो इसमें दही. तो चलो, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना. तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं और मैगी बनाते हैं. चलो तो ये देखो मैगी में डालने के लिए मैंने सब कुछ कट करके रख दिया था पहले. कैप्सिकम, अनियन, चिली एंड टोमेटो तो कट करके रख दिया है और सिर्फ मुझे बनाना है. चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट कर देना और क्या करोगे, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना. वरना कुछ नहीं, वरना मैं क्या ही कर सकती हूँ. मैं व्लॉग डालती जाऊँगी व्लॉग और क्या ही करूँगी मैं. कर देना. चलो
नहीं बाहर क्या हुआ है, कुत्ते इतनी ज्यादा भौंक रहे हैं, बहुत देर से कुत्ते भौंक रहे हैं। आई डोंट नो क्या हुआ है। अभी तो बोलती है कि ठंड में सांप नहीं आते हैं। और देखो मैंने धनिया पत्ता काट के रख दिया, किसी भी खाने में ना धनिया पत्ता जब पड़ जाता है ना तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो डबल हो जाता है, और टेस्ट करना मस्त लगता है, मस्त मस्त मस्त। तो अभी मेरी मैगी बन रही है, होप कि मैगी टेस्टी बने, क्योंकि मैंने पिछली बार मैगी बनाने की गंदी बनी ना, मैं या तो मैगी बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि मैगी ना कैसे भी मैगी बना दो मैगी अच्छी बनती है, मैगी ख़राब नहीं बनती है। लेकिन उस मतलब पिछली बार जब मैंने मैगी बनाया था ना बहुत जल्दी मैगी बनी थी, तो मैंने व्लॉग में नहीं डाला था उस दिन, मैं व्लॉग ही नहीं शूट कर रही थी, तो व्लॉग में क्या ही डाल दूँ मैं। तो देखो हमारी मैगी बन गई है, एंड मैगी बनने के बाद मैं ऊपर से डालूंगी धनिया पत्ता, एंड धनिया पत्ता डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी, और मैं दूसरी साइड में दूध गर्म कर लेती हूँ एंड मिला देती हूँ, ताकि जो टेस्ट है ना वो टेस्टी बने, टेस्टी। और अभी मैं आपको अपने मैगी का लुक दिखाती हूँ। सो ये देखो, ये बनी है मेरी मैगी, और कैसी बनी है कमेंट में ज़रूर बताना। सॉरी गाइज, वो तो टेस्ट करके मैं ही बता सकती हूँ, आप नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। सो देखने से कैसा लग रहा है वो तो बता ही सकते हो। सो चलो दूसरी साइड में जल्दी जल्दी दूध गर्म कर लेती हूँ, ताकि मेरा पेट फूल हो जाए, क्योंकि इस टाइम भूख मुझे बहुत लग रही है। मम्मी बुला रही है, देखते हैं क्यों बुलाती हैं। हाँ हंस रही हूँ, क्या हो गया? ये वीडियो देख के ज़रूर हंस रही होंगी। तो मेरी मम्मी इसकी वीडियो देख के हंस रही है, अब मुझे बुला रही थी। देख लो, ऐसे मम्मी वीडियो देख देख के हंसती रहती हैं। मम्मी ना ऐसे वीडियो देख देख के हंसती रहती हैं, और जब पापा साथ में इनके रहेंगे तो पापा इनको देख के हंसेंगे, और मम्मी क्या करती है वीडियो देख देख के हंसती हैं, तो और पापा को देख के हम हंसते हैं, तो ऐसे ही हम सभी ना एक दूसरे को देख के सब हंसते रहते हैं, तो सभी हम एक दूसरे को देख के हंसते रहते हैं, मजा आता है यार। देखो रिंग लाइट, इधर मैं रिंग लाइट लगा के मैं शूट कर रही हूँ, ताकि मेरी वीडियो की क्वालिटी जो है थोड़ी सी अच्छी हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए, थोड़ी सी मैं मेहनत और कर रही हूँ। थक गई मैं, तो चलो एक साइड मैं देखती हूँ दूध है कि नहीं। पता था दूध तो होगा ही, चलो दूध गर्म कर देते हैं, और साथ में यार मन नहीं हो रहा यार दूध पीने का, दोपहर में पी लूँगी, अभी नहीं। देखो दूध, सो चलो फटाफट से सर्व करते हैं खुद को, और उसके बाद चलते हैं और चल के कुछ नाश्ता कर लेते हैं। सो गाइज देखो, मेरी फटाफट से मैगी रेडी हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, तो चलो नाश्ता करिए और फिर मिलते हैं। गाइज अभी मैं आई हूँ बाहर, और बाहर मैं आके थोड़ा सा फूल देख लेती हूँ, एंड फूल का थोड़ा सा मैं टूर करा देती हूँ, टूर नहीं कराती हूँ मैं, वैसे ही आई हूँ मैं। थोड़ा सा प्लांट्स जो होते हैं ना, थोड़े थोड़े प्लांट्स जो है ना यार, वो ख़राब हो रहे हैं ठंड की वजह से, ख़राब हो रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है कि प्लांट्स को भी ठंड लग जा रही है। सो अभी मैं प्लांट्स देख रही हूँ, और देख लो ये जितना था ना, ये सारे फ्लावर्स थे, आपने व्लॉग में देखा होगा, पिछले वाले नहीं मतलब बहुत सारे व्लॉग में मैंने प्लांट्स दिखाया था। जो ये वाला फूल है ना, मैं फूल दिखाती हूँ, तो जो ये वाला फूल है ना, देखो जो ये वाला फूल है ना, ये ख़राब हो रहा है गाइस, देख रहे हो सारा प्लांट ख़राब हो गया है, देखो कैसे कैसे हो गया। सो अभी कुछ कुछ बचा है, तो इसको कैसे सेव करें प्लीज़ आप लोग अगर देख रहे होगे, अगर आपके पास कोई टेक्निक होगा तो मुझे बताना प्लीज़। और देख रहे हो सारी पत्तियाँ सूख रही हैं इसकी, और पता नहीं अजीब सा हो गया प्लांट्स यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और देखो वहाँ पर छोटा सा एलोवेरा वहाँ भी हो रहा है, पता नहीं क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और बाकी सब ये देखो, ये वाला जो है ना, ये तो अभी न्यू है, और ये सब देखो सूख गया, साथ में इसकी जो पत्तियाँ हैं ना, ये भी ख़राब हो रही हैं यार, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखो ये सारे सूख गए हैं, ये तो अभी अच्छा है, ये वाला प्लांट जो है ना ये अच्छा है,
देखो ये खिल भी रहा है अच्छे से, और ये देखो सारे जितने गमले थे ना सारे लाइन से लगे हुए हैं। अभी पापा इसको देखो ऊंचा पे बना रहे हैं, मतलब बराबर कर रहे हैं ताकि सारे जो गमले हैं ना सारे मतलब अच्छे से लग जाएं। और इधर है अपना येलो वाला रोज़ ना, तो यहाँ से ये वाला रोज़ निकलवा के ना कहीं और लगवाना है, क्योंकि ये ना पता है गेट के पास है एकदम। और ये भी देखो यार ख़राब ही हो रहा है, पता नहीं अजीब सा हो गया ना। तो ठंड के वजह से ना सारा जो भी प्लांट्स था ना सब के सब ख़राब हो रहे हैं। सो अगर आपके पास प्लीज़ कोई टेक्निक होगा तो मुझे बताना, मैं सारे प्लांट्स को मैं सेव करना चाहती हूँ। यार सब ख़राब हो रहा था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और दीदी होती, दीदी ब्लॉग देखेगी, मैं उसको भी कॉल करके पूछ लूँगी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ सबके लिए। तो देखती हूँ क्या हो रहा है। फ़िलहाल तो अभी धूप थोड़ी थोड़ी निकली हुई है और अच्छा है धूप निकल गया, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा इधर ठंड है, इतना ज़्यादा इधर ठंड है ना कि मैं ना बहुत कम ही बाहर निकल रही हूँ, इतनी ज़्यादा इधर ठंड है। फिलहाल मम्मी अंदर काम कर रही है, मैं अभी थोड़ा सा करा के आई हूँ बाहर, अभी तो फूल को देख रही थी मैं, धूप निकली तभी मैं बाहर आई, मना कर रही बाहर में ठंड है। देखो धूप आ गई है, धूप आ गई। सो गाइस अभी ना 3 बज रहा है, दोपहर का 3 बज रहा है, और अभी मैं कुछ और बनाने जा रही हूँ, छाल मूढ़ी मूढ़ी बनाने जा रही हूँ, और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे मैं बनाऊँगी। सबसे पहले तो मैं ये धनिया पत्ता कट कर रही हूँ, और क्या ही मैं बताऊँ। मम्मी आपके पति गए हैं हाफ स्वेटर पहन के बाहर इतनी ठंड में। तो गाइस सबसे पहले हम धनिया पत्ता कट करेंगे, उसके बाद प्याज एंड उसके बाद हरी मिर्च। पहले हरी मिर्च कट कर लेते हैं क्योंकि प्याज फिर आँख में लगने लगेगा, एंड उसके बाद फिर सो गाइस देखो मैंने ये सब कट कर दिया है, और प्याज थोड़े से बड़े बड़े हैं क्योंकि छोटे छोटे अगर कट करती तो मेरे सारे आंसू निकल जाते, तो मुझे अपने आंसू को नहीं निकालना है। और अब मैं जा रही हूँ इसको फाड़ूंगी, एंड चलो फिर उसके बाद मिक्स करती हूँ इसके अंदर। मैं ना पता है मुझे ना हम हॉस्टल में जब खाते थे इसके अंदर हम अचार मिक्स कर देते थे, बट यहाँ पे मैं अगर घर पे मैं अचार वगैरह मिक्स करती हूँ तो ना तो मम्मी को पसंद आता है ना तो पापा को पसंद आता है। और ये हमारे पास पंजाबी तड़का और साथ में ये वाली है, तो इसको भी हम मिक्स करेंगे, बट सब नहीं, एक पंजाबी तड़का एंड ये हम दो मिक्स करेंगे। टमाटर हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ऐसे टमाटर नहीं डालेंगे। तो मिक्स करने वाली हूँ इसके अंदर, इसको इसको अब मैं खाऊंगी। हम लेकर के चलते हैं अपनी झाल मुड़ी को और चल के खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है, शाम भी हो चुका है, और चलो चल के फटाफट से खाना खाते हैं, आई मीन खाना नहीं जो भी है, तो चलो खाते हैं एंड उसके बाद फिर मिलते हैं। अच्छा है बट नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, और सब बाकी सब डन। तो गाइस यहाँ पे बैठ के मम्मी के साथ हम क्राफ्ट बना रहे हैं, हम और मम्मी। ये देखो फूल बनाया है, कैसा लग रहा है फूल देखना ज़रा। और भी एक बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बना ही नहीं। ये वाले फूल बनाना बहुत इजी होता है, तो यही वाला हम लोगों ने बनाया है। आर्ट एंड क्राफ्ट, ये मम्मी अपनी चूड़ियों से गोल गोल कट कर रही हैं, वाह। सो गाइस अभी रात हो गई है और मैं दूध पी रही हूँ, आधा दूध ख़त्म हो चुका है, और मैंने खाना भी खा लिया बट मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी भूल गई मैं।
एंड यार रात हो गई है और अभी मेरा दूध, मैं दूध पी रही हूँ एंड उसके बाद मैं भी दूध पीऊँगी एंड मैं चले जाऊँगी बिस्तर में। सो आज का पूरा डे का यही रूटीन था, व्हाट आई ईट इन अ डे। आज था संडे तो संडे को खाना आज नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि खाना हर संडे को नहीं बनता है, बनता है बट आज नहीं बना क्योंकि मम्मी का मन नहीं था आज खाना बनाने का। सो इसलिए आज मम्मी को भी छुट्टी मिल गई है एंड या कोई बात नहीं। सो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो अभी मैं जाऊँगी सोने। सो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।